बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये जी मुझे वैलेंटाइन डे पे मेरे हस्बैंड ने जो है गजरे पहनाए थे, और यहाँ पर जी मुझे फ्रूट काट के दिया है खाने के लिए, क्योंकि मुझे जो फ्रूट खाते हुए ना बड़ी शदीद वाली तकलीफ़ होती है। मैं नहीं फल जल्दी खा सकती, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता शेक वगैरह या फल वगैरह इतना खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने वो खाए, तो उसके बाद ही मैंने अपने मुंह का टेस्ट ठीक करने के लिए यहाँ पर एक शामी कबाब पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो वो खा लेती हूँ। बस कहते हैं ना, जिसको नई चीज़ कोई पसंद होती तो फिर ज़बरदस्ती खाओ तो फिर ऐसे ही होता है। तो बस जी, यहाँ पर आजकल जो है घर का काफ़ी जो है काम शाम चल रहा है। यहाँ पर जो है गेट वगैरह मैं लगवा रही हूँ, दरवाज़ा जाली का, और साथ साथ जो है क्लीनिंग्स वगैरह भी चल रही हैं। किचन का थोड़ा सा काम है, वो भी इंशाल्लाह जो है अनकम्प्लीट है अभी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस रमज़ान से पहले जो है ना कोशिश है कि घर के जो काम वगैरह है ना वो मैं सारे अपने कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पर मैंने जो है जाली का दरवाज़ा लगवाया, क्योंकि बिल्लियों ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ। ग्राउंड फ्लोर है तो उस वजह से भी, और कुछ अपनी सेफ्टी पर की वजह से भी जो है ना मैंने यहाँ पर जो है इसको गेट को लगवाया। लगवाना था पहले भी, तो बस मसले वगैरह और जो मेरी ससुर की डेथ होगी उस वजह से जो है काम काफ़ी घर के जो है वो रह गए थे, क्योंकि उनकी तो पहले तबीयत नहीं थी ठीक। वो कह रहे थे कि जब तबीयत ठीक होगी तो इंशाल्लाह मैं जो है सारा काम करवाऊंगा, लेकिन अब यहाँ पर जो है सारे काम खुद ही करवाने पड़ रहे हैं। बड़ी उनकी कमी महसूस हो रही है। तो फ़िलहाल जो है अब दरवाज़ा वगैरह मेरा लग गया। यहाँ पर दोपहर का टाइम था, मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी, तो मेरे पास ये फ्रोज़न समोसे पड़े हुए थे, तो मैंने इनको फ्राई कर लिया। साथ जो है मैं दाल बना रही हूँ, मूंगी मसरों की दाल जो होती है वो मैंने बनाई। मैंने कहा जल्दी से मैं बना लूँ, क्योंकि इसके बाद जो है ना शेल्फ़ का काम होना था, तो मिस्त्री ने आ जाना था काम करने के लिए, और दरवाजे की भी साइटों से सारा काम होना था। तो बस अब जो है ना पेंट वगैरह और चीज़ें रह गई हैं। और जी ये मैंने जो है ना वॉशिंग वगैरह की थी हमने, और अचानक से जो है ना ये ओले गरे क्या कहते हैं समझ से बाहर इतनी शदीद एकदम आ गई, और मैं तो हैरान, और जैसे कपड़े डाले थे वैसे ही फ़ौरन हमने जो है ना उतारे। और मैंने अपनी फ़र्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में जो है ना ये ऐसे ओले पड़ते हुए देखे हैं। बच्चे एक्साइटमेंट में चनिया रख रहे थे इकट्ठे करने के लिए जी, कि इसमें जो है ना हम बोल में इकट्ठे करेंगे, बर्फ़ इकट्ठे करेंगे। और ये देखे, देखते देखते ही बड़ी शदीद जो है ना बर्फ़ पड़ी। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ जो है रमज़ान की जो तैयारी है और रमज़ान के जितने भी ब्लॉग्स हैं वो इंशाल्लाह जल्दी जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि तैयारियाँ वगैरह मैं कर रही हूँ। घर का काम जो है ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ जो है ना रमज़ान की भी जो ब्लॉग्स हैं वो, और इतना प्यारा मौसम हो, और फिर जी लोहड़ियों के चस्के ना हो तो ये हो नहीं सकता। तो हस्बैंड भी घर पर थे, मैंने फिर चाय बनाई और साथ समोसे खाए। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।